दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा बिजली का काम जो था वो बिल्कुल प्रॉपर फाइनल हो गया है। आप देख सकते हैं ये मेरा मेन बोर्ड हुआ और ये 100 एम्पियर का 415 वोल्ट में चेंजर हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 एम्पियर 415 वोल्ट में 4 किटकैट का जगह दिया हुआ है। 4 किटकैट अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे हमने 3 किटकैट लगाया है, एक किटकैट का स्पेस छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं बीच में कटिंग हो जाएगा और किटकैट यहाँ पे लग जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा हॉल उल किया हुआ है, जब आएगा तो यहाँ पे लग जाएगा। 2 किटकैट हुआ, ये जनरेटर के लिए हुआ। अभी आप देख सकते हैं ये जो लाइन सप्लाई आ रहा है ये जनरेटर का सप्लाई आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे लाइन काट दिए, बीच वाला जो ब्लू बॉल है ये ऑफ हो गया और ये रेड इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जनरेटर के लाइन यहाँ पर आ रहा है और जब लाइन आएगा बिजली आएगा तो यहाँ पे ये बॉल बरेगा, ये भी रेड कलर का ही है, ये बॉल जलेगा। जब रेड बॉल जल जाएगा तो हैंडल को हम ऊपर कर देंगे, इस हैंडल को ऊपर कर देंगे, ऊपर में लाइन का काम करेगा और नीचे में जनरेटर करेगा। और दोस्तों यहाँ पर हमने लगाया है एक RCC भी लगाया है जो 63 एम्पियर का RCC भी है, इसको लगाना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी पूरा फ्लैट में कहीं पर भी अर्थ लीकेज होगा या कोई इंसान को करंट लगेगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिसेट का ऑप्शन देता है, जैसे इसको हम प्रेस करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको प्रेस किए ये बिल्कुल ऑफ हो गया, इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, इसको प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा। जैसे कहीं पर भी यदि बॉडी में टच करता है लाइन तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, पूरा सप्लाई ऑफ हो जाएगा, या तो अर्थ लीकेज कहीं पर करेगा तो उसको से भी ये पावर ऑफ हो जाएगा, पूरा फ्लैट का पावर ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद एक इंसुलेटर लगाए हैं यहाँ पर, ये भी 63 एम्पियर का इंसुलेटर है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों का डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग हो गया है। MCB बॉक्स डायरेक्ट यहाँ से फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों का अलग अलग चला गया है, बिल्कुल सेपरेट गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर दोनों के लिए इन्वर्टर प्वाइंट दिया हुआ है। यदि एक में चाहे तो एक में भी हो जाएगा, लेकिन ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट यदि चाहेंगे कि मेरा 2 इन्वर्टर फिटिंग हो तो एक फ्लैट फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों का इन्वर्टर अलग अलग फिटिंग हो जाएगा, दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों फिटिंग करने में कोई झंझट नहीं है, क्लाइंट चाहे तो इलेक्ट्रिशियन के बिना बुलाए ही कर सकते हैं, केवल बैटरी में माइनस प्लस कनेक्ट करेंगे और जो इन्वर्टर का मेन लीड होगा वो यहाँ पे फंसा जाएगा। जैसे इसको हम निकाल देते हैं, यहाँ पर जो इन्वर्टर का मेन लीड होगा पावर वो यहाँ पर चला जाएगा और ये इन्वर्टर का पीछे चला जाएगा और जो बोर्ड स्विच बोर्ड में है वो सारा कनेक्शन किया हुआ है, कोई झमेला नहीं है, बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि केवल वायर इन्वर्टर वायर को बोर्ड स्विच बोर्ड में डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन वो गलत है, कभी वो ऐसा नहीं करना चाहिए। कनेक्शन जब बोर्ड कनेक्शन कर रहे हैं उसी टाइम हम इन्वर्टर का कनेक्शन कर देंगे, जैसे क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे किया है, एक रूम में 2 लाइट किया है और फैन किया है और एक पावर प्लग जो 6 एम्पियर का है उसमें किया है, उसमें इन्वर्टर का पावर जाएगा और बाद बाकी जो भी पावर प्लग है उसमें मेरा लाइन रहेगा तभी जाएगा। तो कभी भी कनेक्शन करे तो फाइनल करे, इस तरह से कनेक्शन करे कि क्लाइंट का कोई दिक्कत ना हो, जब इन्वर्टर लाए तो इन्वर्टर खुद अपने से भी फिट कर सकते हैं। हालांकि हम लोग भी आते हैं जाते हैं इन्वर्टर फिटिंग करने, लेकिन कोई झमेला नहीं रहता है, बिल्कुल आसान। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन बोर्ड से डायरेक्ट उठा, एक चला गया न्यूट्रल फेज और बॉडी अर्थ ऊपर सेकेंड फ्लोर में और एक फर्स्ट फ्लोर में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा MCB बॉक्स लगा हुआ है और इसको ओपन करके भी दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट में हमने 40 एम्पियर का एक इंसुलेटर लगाया है, उसके बाद 20 एम्पियर का 1, 2, 3, 4,
5-6 एमसीवी लगा हुआ है 20 एम्पियर का। ये जो 20 एम्पियर का एमसीवी है ये दोस्तों एसी के लिए है, ये डायरेक्ट यहाँ से एसी के लिए डिवाइड हो गया है, उसमें कहीं पर भी कटिंग नहीं हुआ है। जैसे पावर प्लग हो, स्विच बोर्ड हो, केवल 20 एम्पियर से यहाँ से उठा, ये सेपरेट स्पेशल एसी के लिए चला गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो 16 एम्पियर के है ये है स्विच बोर्ड पावर प्लग के लिए, रूम के लिए है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लाइट है ये सीलिंग लाइट लगाया हुआ है चारों तरफ, आप देख सकते हैं ग्रीन और व्हाइट लाइट है। और यहाँ पर जो भी लाइट स्विच बोर्ड सारा फिनिशिंग हो गया है। ये बाथरूम हुआ, इसमें भी दो लाइट दिया हुआ है, जो भी लाइट है वो सीलिंग लाइट ही है, यहाँ पर वॉल में लाइट नहीं दिया हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मॉडल बोर्ड है, ये एसी के लिए है, और एसी का कोऑपरेट करने के लिए जैसे ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर हमने एक एमसी भी 16 एम्पियर का लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनी एमसी भी है 16 एम्पियर का है, और एक पावर प्लग भी लगा दिया है जैसे हैवी लोड के लिए। हैवी लोड इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये डायरेक्ट सेपरेट आया है, इसमें यूज आप कर सकते हैं। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट रूम में, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नेक्स्ट रूम में एसी लगा हुआ है, और जो एसी का स्टेबलाइजर है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टॉप अभी नहीं लगाया है, इसको में टॉप लग जाएगा और वहाँ पे इन हो जाएगा और सप्लाई एसी में चला जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सीलिंग लाइट लगाया हुआ है, और फैन के लिए फैन सीट लगाकर लॉक कर दिया गया है, जब फैन लगेगा तो आसानी से लग जाएगा। और सीलिंग में ही डिजाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दो लाइटें नहीं जल रहा है, यहाँ से ऑफ किया हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सारा लाइट जल गया है। एक रूम में 6 लाइटें हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो भी फिटिंग यूज किया है वो आरआर कंपनी का फिटिंग यूज किया है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत अच्छा लगा हम यूज करके। तो दोस्तों कोशिश करें क्लाइंट को सिलेक्शन दें कि आरआर का फिटिंग लगाएं, और वायर सारा फिटिंग आता है आरआर में, बहुत अच्छा क्वालिटी है, एक बार सिलेक्शन दें कि आरआर कंपनी ही लगाएं। और डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, लेकिन एक बार सिलेक्शन जरूर दें कि आरआर कंपनी का ही फिटिंग लगाएं, बहुत अच्छा क्वालिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है, हालांकि इसमें डिमर नहीं लगाया गया है, यहाँ पे डिमर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड स्विच बोर्ड हमने दिया है बेड स्विच के लिए, तो फैन के लिए यहाँ पर दे दिया है, जैसे फैन कोऑपरेट यहाँ से होगा, और यहाँ पे बेड है, आसानी से बेड मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दो लाइटें यहाँ से है ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट फ्लोर में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हवेल्स का एमसीवी बॉक्स लगाया हुआ है, जिस तरह से मेरा फर्स्ट फ्लोर में था उसी तरह से सेम सेकंड फ्लोर में एमसीवी बॉक्स लगाया हुआ है, सेम एमसीवी बॉक्स स्विच बोर्ड और पावर प्लग के लिए चला गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल सीलिंग किया हुआ है और पैनल लाइट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर फैन भी बहुत अच्छा क्वालिटी के लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो भी फिटिंग था मेरा फाइनल हो गया है, और नेक्स्ट रूम में आएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारा स्विच बोर्ड को ऑन किया कर दिया है और सभी लाइटें जल गए, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो फैन है ये मॉडलर फैन है, ओरिएंट कंपनी का फैन है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, मॉडलर फैन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया हुआ है जो चार मॉडल है, यहाँ पर दो मॉडल भी बोर्ड दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक दूसरे में डिवाइड हुआ है तो हमने चार मॉडल बोर्ड डाल दिया था,
हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने दो ब्लैंक प्लेट डाल दिया है और बीच में पावर प्लग हो गया, और इस तरह से आप देख सकते हैं एसी के लिए टॉप लगा दिया गया है। इसको वहां पे खोस देंगे, उसके बाद यहां से ऑन करेंगे, एसी ऑन हो जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं टीवी के लिए स्पेशल यहां पर बोर्ड लगाया गया है, और जो केबल है डीटीएच केबल यहां पर निकाल दिया गया है ताकि आसानी से बिल्कुल फिटिंग हो जाए टीवी का। और दोस्तों जो टीवी फिट हो वो यहां पे सुंदर दिखेगा, जैसे वायर इधर उधर रहता है तो दिक्कत अच्छा नहीं दिखता है, जब टीवी फिटिंग होगा तो बिल्कुल अच्छा दिखेगा। जैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल में टीवी लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं केवल टीवी का एक प्लग दिख रहा है वहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं होम थिएटर डीटीएच जो भी है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वहाँ उस बोर्ड और इस बोर्ड दोनों का डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन हमने जो टीवी का प्लग है टीवी का ऑन ऑफ कोऑपरेट करने के लिए हमने यहाँ से ही दिया है। जैसे हम टीवी को ऑन कर दिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड बॉल जल गया है, तो हमने कोऑपरेट करने के लिए वहाँ से ही दिया है। ऐसा नहीं है कि खोसा हुआ है वहाँ से तो वहाँ से ऑन ऑफ करेंगे, ये होम थिएटर चालू करेंगे वहाँ से और टीवी चालू करेंगे वहाँ से, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने कनेक्शन जो भी किया है एक जगह से किया है, कभी भी कनेक्शन करें ऐसा यदि दो जगह हो तो एक जगह से ही करें, ऐसा ना करें कि टीवी अलग से और डीटीएच और होम थिएटर जो हो वो अलग से होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो फॉल सेलिंग हुआ वो काफ़ी हल्का ऊपरे आ गया था बोर्ड, तो हमने यहाँ पे पीवीसी ओपन बोर्ड लगाया है और इस तरह से यहाँ से कोऑपरेट करेगा। और नेक्स्ट रूम में भी चलेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मॉड्यूलर फैन लगाया हुआ है। और दोस्तों ये फैन जो है ये ओरिएंट कंपनी का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मॉड्यूलर है, अच्छा दिखता है फैन। और यहाँ पर हम फैन को ऑन करेंगे और लाइटें के ऑन करेंगे, इस तरह से लाइट जल गया। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी लगा हुआ है और एसी के प्लग लगा हुआ है, हर एक रूम में एसी इंस्टॉल हो गया है। हम इसको सप्लाई को ऑन करेंगे एसी को, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सप्लाई ऑन कर दिया है, और स्टेबलाइजर में आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन आ गया है इस तरह से, और आप देख सकते हैं एसी भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों कभी भी कनेक्शन दें तो बहुत लोग करते हैं कि वहाँ पर जहाँ टॉप घुसा हुआ है वहाँ पर ही तीन मॉडल बोर्ड देते हैं और ऑन ऑफ वहाँ से दे देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। कभी भी उसको कोऑपरेट करने के लिए दें कि वो आसानी से ऑन ऑफ कर सके। जैसे यहाँ पे हमने दिया है, इसका हाइट 4 फीट दिया है। इसी तरह से मेरा जो भी रूम है सारा में कनेक्शन हो गया है, फाइनल हुआ है।